खबर छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां पर कोरिया नगर निगम चिरमिरी अपने अंतरंगी कारनामों के लिए आए दिन सुर्खियों में रहता है। इस बार लोगों के लिए दिक्कत खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। निगम द्वारा रहवासी क्षेत्र में लगे हुए जंगलों में मृत मवेशी के शव को खुले में ही सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। विगत दिनों स्थानीय एवं रहवासियों ने जंगलों में मृत मवेशियों को फेंकते देखी। इस पर जब कुछ युवकों के द्वारा मृत मवेशी को खुले में ही डंप करती नगर निगम चिरमिरी की गाड़ी को अपने कैमरे में कैद करना चाहा तो निगम कर्मी द्वारा डरकर बिना मवेशी को डंप किए वहां से हुए फरार। देखें पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर देवेंद्र सिंह के साथ। अगर कोई जानवर मर गया है, आपके कहने का अर्थ ये है कि जंगल में ले जाकर के उसे फेंक दिया जा रहा है। जी। नगर पालिका निगम चिरमिरी में पूर्व में एक साधारण सम्मेलन की बैठक में प्रस्ताव आया था कि शहर में मवेशियों के मरने के बाद उन्हें व्यवस्थित करने के लिए, या कहीं पर मर गया है तो उसे उठा के ले जा करके गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोद करके उसे गाड़ना है, और ऐसे नहीं गाड़ देना है, मवेशियों के ऊपर, मरे हुए मवेशियों के ऊपर में नमक का लेयर पर बिछाना है, बिछाने के बाद में फिर मिट्टी से उसे दबा देना है। ये सामान्य सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था, और वर्तमान में यदि ऐसा नगरपालिक निगम चिरमिरी के द्वारा किया जा रहा है तो नगर निगम अधिनियम में जो आवारा पशु हो या पालतू पशु हो, उन्हें व्यवस्थित करने का, मरने के बाद उन्हें गाड़ने का जो प्रावधान है उसका उल्लंघन हो रहा है, और इस पे जो है निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए ऐसा कृत्य को रोकना चाहिए। आने वाले समय में फिर वैसा ही होगा। एक मर्तबा जब एक टीम के द्वारा चिरमिरी शहर के जंगलों का निरीक्षण किया गया था तो वहाँ पर पाया गया था कि शहर के अंदर का जितना कचरा रहता था उसको ले जाके जंगल में डंप कर देते थे, और हुआ क्या था कि निगम के छोटे कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी थी, छोटे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। ले दे करके होगा इसमें वही कि छोटे कर्मचारियों को निर्देशित नहीं किया जा रहा है कि मरे हुए मवेशियों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाना है। अधिकारी इसके लिए सजग हों, और अपने जो भी कर्मचारी हैं, वाहन ड्राइवर हैं या जिसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, मृत आवारा पशु हों या पालतू पशु हों, उन्हें क्या किया जाना है मरने के बाद, इसकी जानकारी दे करके विधिवत गड्ढा खोद करके और मरे हुए मवेशी के ऊपर में नमक का लेयर बिछा के उसके ऊपर से मिट्टी ढकना चाहिए। ये नहीं हो रहा है तो गलत हो रहा है, और जल्द से जल्द ऐसा करें, और जंगल में आवारा या पालतू पशुओं के मरने के बाद खुला फेंक देना जो है सरासर गलत है। जंगल तो बर्बाद होगा ही होगा, और शहर से सटा हुआ अगर एरिया है तो बदबू और महामारी फैलने की भी संभावना बन सकती है। मैडम, कल जो निगम की गाड़ी जंगल में घूम रही थी गौ मांस को लेकर के, तो वो जंगल में निगम गाड़ी कर क्या रही थी? उसके अवशेष तो वहाँ पड़े हुए मिले थे गाड़ी जाने के बाद भी, इसके संबंध में अभी मेरे को जानकारी नहीं है। मैं अभी पूछ लेती हूँ, ड्राइवर से पूछ लेती हूँ, जो उसमें और स्टाफ था उससे मैं पूछ लेती हूँ। क्योंकि पर्टिकुलर जहाँ पर वो डंप यार्ड बना है, जहाँ पर वो मांस पाया गया, वहाँ पर कुछ मवेशी जानवर भी घूम रहे थे, कुत्ते जैसे कि, तो उनको तो ऐसे खबर होता नहीं है कि यहाँ, ना तो उनको पता नहीं चलता है यहाँ मांस टुकड़ा कैसे पहुँच रहा है। वहाँ पहुँचता है तभी कुत्ते वहाँ पहुँचते हैं खाने के लिए उसको, तो ये वहीं फेंका ही जाता है क्यों? मुझे इस संबंध में कल ही शिकायत प्राप्त हुई, जिसके ऊपर कैसी कार्रवाई होगी? अभी इसके बाद से वहाँ पे नहीं फेंका जाएगा, और इसके लिए हमें नोटिस भी जारी हमने किया हुआ है, और दोबारा उसके द्वारा पुनरावृत्ति इस प्रकार की जाती है तो और